हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं सूजी और बेसन के लड्डू। वैसे तो आपने बेसन के लड्डू कई बार खाए होंगे, सूजी के भी लड्डू कई बार खाए होंगे, पर आज हम इन दोनों को एक साथ करके इनके लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू आप यकीन मानिए इतने टेस्टी बनते हैं ना। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है, तो इसे मैं मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेती हूँ। और ये मैंने एक कटोरी सूजी ली है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम मोई लगाएंगे। मोई हमें उतनी लगानी है ताकि ये हाथ में बाइंड हो सके। तो देखते हैं, चलिए हम मोई लगा लेते हैं। पहले मैं इसमें 4 चम्मच घी ऐड कर लेती हूँ। अगर हमें मोई कम लगेगी तो हम और लगा लेंगे। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमें इसमें मोई की थोड़ी सी और जरूरत है, तो हम 1 चम्मच घी इसमें और डाल लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। इसका डो हमें ना तो ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही ज़्यादा गीला। देखिए किस तरह से लगाते हैं हम। देखिए डो को रखे हुए हमें 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। देखिए डो थोड़ा सा टाइट हो गया ना, क्योंकि इसमें सूजी थी ना, इसलिए इसने पानी सोख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से हम ऐसे मुठियां बना लेंगे, बिल्कुल छोटी सी। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमें इनको तेल में फ्राई करना है और तेल मैंने पहले ही कढ़ाई में डालकर गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। तो हम इस तरह से इसकी छोटी छोटी मुठियां बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी मुठियां बनाकर तैयार कर ली है, ऑयल भी गर्म है। तो चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। देखिए तेल को हमें मीडियम हॉट गर्म करना है और गैस का फ्लेम भी हमें मीडियम ही रखना है। तो चलिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो जितने भी कढ़ाई में आ जाएंगे हम उतने ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इनको फ्राई होने देते हैं। मैंने यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए ऑयल का यूज किया है, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही हल्के ब्राउन हो जाएंगे हम इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारी मुठियां फ्राई हो चुकी है और दूसरा बेज भी हमें इसी तरह से फ्राई करना है। देखिए ये सारी मुठियां हमने फ्राई करके तैयार कर ली है, तो हम इनको 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। ये अभी गर्म है, ऐसे टुकड़ों में इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो लीजिए हमने सारी मुठियाँ को तोड़कर तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद हम मिक्सर जार में इसको डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारी मुठियाँ अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर ये मिक्सर जार लिया है, तो हम ये सारी मुठियाँ इसके अंदर डाल लेते हैं।
चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमने इसको मिक्सी में पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए इसका एकदम दानेदार टेक्सचर। अब आप ही सोचिए इसके कितने अच्छे लड्डू बनेंगे, है ना। तो चलिए इसको तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए इसको पीस कर तो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने ये शुगर ली है, ये जो मार्केट में मिलती है ना दानेदार बूरा शक्कर, वही है। और आप चाहे ये यूज़ नहीं करें तो आप जो हमारे पास जो मोटी चीनी होती है उसको मिक्सी में पीस कर उसे भी ऐड कर सकते हैं। हम हमारे लड्डुओं को दानेदार बना रहे हैं तो इसके लिए हमने ये वाली शुगर यूज़ की है। तो लीजिए हम सबसे पहले इसमें ये शक्कर ऐड कर लेते हैं। ये मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी कम शक्कर ली है क्योंकि ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप पूरी कटोरी भरकर शुगर ले, जितनी हमने सूजी और बेसन लिया था उस हिसाब से एक कटोरी आप शुगर ले लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये कुटी हुई इलायची और कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। चलिए अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गए सब अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब घी ऐड कर लेंगे। इससे क्या हमारे लड्डू अच्छे से बन पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ऐड कर लेती हूँ घी को। तो लीजिए हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू आपको जैसे भी पसंद हो, छोटे बड़े, आप इसके लड्डू बांध लीजिए। और अगर आपको लड्डू बांधने में दिक्कत आए, आपको ऐसा लगे कि इसमें लड्डू नहीं बन रहे, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। घी कम लग रहा है तो मैं और ऐड कर लेती हूँ। तो लड्डू जैसे भी आपको पसंद हो, बड़े छोटे, आप बना सकते हैं। देखिए ये लड्डू बनकर तैयार है, मैंने छोटे साइज में ही बनाया है। आप बिल्कुल आसानी से ये लड्डू बना पाएंगे। तो चलिए हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए ये तैयार है हमारे दानेदार सूजी और बेसन के लड्डू। देखिए कितने सुंदर बने हैं, बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ आपको, एकदम दानेदार लड्डू बने हैं हमारे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।